स्टूडेंट्स आज जिहड़ा हैगा अपना लैक्चर नंबर 6 हैगा जी तुहाडे कोल। ठीक है, 6 नाल 7 भी तुहानू मिल जाना, 7 पर ग्रेजुएशन वाला सिलेबस होएगा ग्रुप्स वाला। ठीक है, पैरेलली ही चली जाएंगे तुहाडे कोल, ते जिहड़ा हैगा क्योंकि इकट्ठे रिलीज़ कर देने में, तो सब तो पहला इच कार्टीजियन प्रोडक्ट है क्योंकि आपां सैट शुरू किया होया। सैट कंटीन्यूएशन चलेगा जी, सैट अकाउंटेबिलिटी असी कर ली, सैट दे नाल ही असी रिलेशन्स कवर कर देंगे, सिलेबस वाला पार्ट हैगा जिहड़ा तुहाडे कोल। ठीक है, नाल ही फिर इनफिमम जिहड़े सुप्रीमम वाले टॉपिक ने वह भी सैट रिलेशन ही कवर हो जाएंगे, इदा ही बुक दिते हुए ने। तो जिहड़ा अगला पार्ट जिहड़ा ग्रुप्स वाला शुरू किया वह भी एवें ही होएगा जिवें लैक्चर 7 मास्टर कैडर ग्रुप 1, लैक्चर 9 मास्टर कैडर ग्रुप 2, लैक्चर 11 मास्टर कैडर ग्रुप 3। उहदे विच ग्रुप और नंबर थ्यूरी वो पैरेलली चली जाएगा। कारण मतलब जिहड़ा प्लस 2 प्लस 1 नाल कंफर्टेबल है वो अपना ग्रेजुएशन दे सिलेबस ते चला जाएगा। तो जिहड़ा ये है वैसे इस विच प्लस 1 प्लस 2 दा नहीं मैं बहुता दस रहा, जां जेई बी एस सी ऑनर्स लैवल ही है मास्टर कैडर, कि इन्ना सौखा नहीं मैं करवा रहा भी जिहड़ा तुसीं को आम सीधा किताब च पिया जी मैं कर लिया, नहीं तुहानू कुछ टैक्नीक्स कुछ चीज़ां बिल्कुल आपां नवीं ऐड कर रहे हैं तुहाडे कोल, क्योंकि नहीं ना तो तुसीं वेले हो ना तो मैं वेला वहाँ भी तुहाडे पास आपां टाइम पास करी जाइए। तुहानू हर लैक्चर च 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलणगे जिहड़े तुसीं जिहड़ी तुहानू आम किताबों में नहीं लभण, ईवन तुहाडे कोल ऑब्जेक्टिव बुक चाहे जिहड़ी मर्जी होवे। ठीक है जी, मतलब वो हुण आपां देखिए सब तो पहला कार्टीजियन प्रोडक्ट हैगी है जी। कार्टीजियन प्रोडक्ट क्या हुंदा हुंदा, आपां लैने ए क्रॉस बी, ए कार्टीजियन प्रोडक्ट है। और कार्टीजियन प्रोडक्ट विच क्या हुंदा हुंदा, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर हुंदा हुंदा, सच दैट पहला पहले च हुंदा दूजा दूजे च। मीन्स मैं अगर ए 1.2 लै लाँ, बी मैं लै लाँ 2.3, दैन ए क्रॉस बी जिहड़ा मेरा होएगा 1.2 लिखना है, पहले नाल पहला 1.3 लिखना है, 2.2 लिखना है, तो 2.3 लिखना है। ठीक है जी, सारे डिफरेंट है, इस चीज़ में आप क्रॉस कहने हैं। मेन चीज़ की हैगी है, मेन चीज़ की है कि ये आप ख्याल रखना पहला पहले सैट च हुंदा हैगा, पहला दूसरा दूसरे सैट च हुंदा है। ठीक है जी, ये थोड़ी कार्टीजियन प्रोडक्ट है। अगर तुसी रिलेशन डिफाइन करोगे, हालांकि आज मेरा टॉपिक रिलेशन नहीं है, तो रिलेशन इसका सबसेट निकलेगा। ठीक है जी, अगर नंबर ऑफ एलीमेंट्स आ मॉड नहीं है सैट विच, इनू नंबर या कार्डिनैलिटी कहेंदे, मतलब ए मॉड का मतलब है नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए, सो ए मॉड का मतलब है नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए। आर नंबर ऑफ एलीमेंट्स नू असी कार्डिनैलिटी ऑफ द सैट कहने हैं या ऑर्डर ऑफ द सैट कहने हैं। सो अगर पहले च एम एलीमेंट है दूजे च एन है, तो चाहे तुसी ए क्रॉस बी का नंबर लै लो, मैं दो इनू ये जिहड़ी चीज़ है नंबर रिप्रजेंट कर रही है, नॉट मॉडुलस। ठीक है, बाद च मॉडुलस समझ दो तो कुछ होर ही कर दो। ठीक है, सो जिहड़ा है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, जो मर्जी होवे गिनती इन्हां चों ही हुंदी है। हुण मान लो ए च किन्ने एलीमेंट ने, 2 है ना, ए एम है थोड़ा, ए थोड़ा आपां इहनूं एम लै लईए, ए थोड़ा एन है, तो 2 × 2 4 एलीमेंट होने चाहिए ने, तो 4 एलीमेंट हैगे ने तुहाडे कोल। ठीक है, सो ये चीज़ बहुत कम आनी है तुहाडे कोल। उस तो बाद कार्टीजियन प्रोडक्ट नॉर्मली बराबर नहीं होंगी, बराबर उदों ही होगी जो ए ते बी बराबर होंगे। ठीक है जी, अदरवाइज ऑर्डर पेयर उल्टा हो जाता ना, तो ए ते बी अगर बराबर होंगे तो बराबर होगी। अगर ये छोटा है सबसेट है, तो कोई क्रॉस सी नाल ले लिए तो रिजल्ट अपा सबसेट रखना है, सो ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, सो पहला लिख के रखे होंगे ने कि टाइम बच जाए तुहाडे कोल, सो ये रिजल्ट है। हाँ, यूटिलिटी की है, यूटिलिटी तुसी हुणे देखोगे तुहाडे कोल। ठीक है, सो ये चीज़ें याद रखनिया ने, क्या ए वाली चीज़ इस कुछ बहुत ही एलीगेंट क्वेश्चन बनता है क्या तुहाडे कोल, और मैं तुहानू दिखाऊंगा कि क्वेश्चन किवें बनता है तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये चीज़ें भी ओके हैं। सो अगे जिहड़े रिजल्ट हैं, ठीक है, सो अगला रिजल्ट है जिहड़ा वो ए क्रॉस बी इंटरसैक्शन सी है, तो ज सिंपली क्रॉस अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुई हैगी है तुहाडे कोल। और आ जिहड़ा रिजल्ट है मोस्ट एलीगेंट रिजल्ट है, अगर ए इंटरसैक्शन बी, हाँ जी, अगर तुसी पी यू ऑनर्स वाले हो, ठीक है जी, आप कही पी यू ऑनर्स, या तुसी सी ई टी देना है या ओ सी ई टी देना है,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਈ ਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 12th ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਓ ਸੀ ਈ ਟੀ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 12th ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ 12th ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਪੇਪਰ ਉਸਨੂੰ 11th ਦਾ ਵੀ, 12th ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਦਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬੀ ਐੱਸ ਈ ਚ ਐਂਟਰੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 11 12 ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਜਿਸਨੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਲੈਣੀ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਕਲਾਸਾਂ ਦਾ, ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਥਿਊਰੀ ਵਗੈਰਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਸੀ ਗਿਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਓਨਰਸ ਦਾ, ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਸੀ ਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੀ ਈ ਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੰਨਾ ਐਲੀਗੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜੇਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੇਪਰਸ 'ਚੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੀ ਈ ਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਏ ਕਰੋਸ ਬੀ, ਅਗਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਸੀ ਕਰੋਸ ਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਰੋਸ ਏ, ਸੋ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਟੀਲਿਟੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਮਨਲੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਏ ਬੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੀ ਡੀ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਏ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਕਰੋਸ ਵੀ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਬੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀ ਕਰੋਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਦੱਸੀ। ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਮਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਏ ਕਰੋਸ ਬੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਕਰੋਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਸਕੇਅਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਆਹ, ਔਰ ਆਹ ਪਿਆ ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ। ਓਰੀਜਨਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 12 ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਏ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 1 2 3 4 5, ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 2 3 2 3 6 7, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੱਸਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹ ਸੀ, ਬਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਨਾ ਕਰੋਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਬੀ ਨੂੰ ਏ ਨਾ ਕਰੋਸ, ਫਿਰ ਕੋਮਨ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜੂੰਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ 1 2 3 ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਹੈ, 5 ਚੌਕਾ 20, ਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਬੀ ਉਹ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਮਨ ਕੱਢੀ ਜਾਇਓ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇਖਾਂ, ਸੋ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਮਨ ਨੇ। ਸੋ 2 ਕੋਮਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਕੋਮਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 2 ਅਤੇ 3 ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 2, ਸੋ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਮਨ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੋਮਨ ਹੋਣਗੇ, 2 ਦੱਸ ਕੇ, ਸੋ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 4, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਜੇਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਏ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਏ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂ, ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 1 ਨੂੰ 0, ਤਾਂ ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਗਈ, 1 ਅਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਸੀਰੀਅਲ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂ, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਪਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, -2 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ, ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਕੇ -2 ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਸਕੇਅਰ 4, -4 ਏ ਅਤੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ 2a 1 ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸਕੇਅਰ 2ab। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1,1 ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੀ 1 ਹੈ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
हूँ इन्हों दोनों के विच वो कहता पहला इन इन्हों की इंटरसैक्शन लै लीए, अगर इंटरसैक्शन लै लीए तो दैट इज़ वन इंटरसैक्शन आ वन तो आ वन कॉमन आया। हुण ऑप्शन रला के देखो कि ट्रू है। पहला कहता ए तो बी की इंटरसैक्शन ए है, ए तो बी की इंटरसैक्शन ए तो आ नहीं रही, सो दिस ऑप्शन रोंग। ए यूनियन बी फाई है, ए तो बी की यूनियन फाई तो हो ही नहीं सकती। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ध्यान देखो तुहाडे कोल की ऑप्शनज अपने को कह रहे हैं ते जिहड़ी की ऑप्शन आपां लिख सकते हैं तुहाडे कोल। हुण अगर आपां तीसरी लईए ए इंटरसैक्शन बी फाई, इंटरसैक्शन तो निकलिया सो तीजी, सो लास्ट रो होएगी वैसे चैक कर लैंदे आ। ठीक है, वैसे ए यूनियन बी करके देखो, जो ए यूनियन बी की वो चैक आऊगा, उस माइनस एक आऊगा तो आ ही रह गया एक ही ए च, तो फिर ये मुड़ के बन गई सो बन गई, सो ऑप्शन थोड़ी करैक्ट हो गई। इन्नी क गल सी थोड़े को भी क्वेश्चन पेपर च आया हुआ जी, आप देख लेना एक्स। ठीक है जी, आ लो थोड़े को जोड़ा है एक्स स्केयर इक्वल टू जीरो एक्स एक्स स्केयर दैन विच ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी थोड़े को, इस करके जोड़ा है थोड़े को मैं थोड़ू जोड़े है उस चीज़ पर फोकस करके कह रहा। ठीक है, सो चलिए जी, सो ये क्वेश्चन हो गया। तो मैं तुम्हें उस फार्मूले की यूटिलिटी दसी सी, ओह देखो क्वेश्चन तो शॉर्टकट्स नाल ही निकलने ने और शॉर्टकट्स लिए प्रैक्टिस चाहिए है बहुत ज़्यादा। ठीक है, सो जिन्ने शॉर्टकट मैं डिस्कस करन जा रहा थोड़े नाल। ठीक है, देखो सितंबर तो पहला तो वैसे ही नहीं स्कूल कॉलेज खुलते। ठीक है जी, उस तो बाद पेपर है, पेपर तो नवंबर दसंबर मान के चलो, और तुमने तो एक हफ्ते चार लैक्चर की गल कही हुई है थोड़े को। ठीक है जी, सो जे एक हफ्ते चार ना हो कोई गल नहीं, महीने 16 जरूर हो जाएंगे। ठीक है जी, सो ये हो गया थोड़े पास, तो हूँ आप अगे चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट एलीगेंट है, पी यू सी टी च आया, आया 2000 दे विच होया। तो ठीक है जी, जिन जिहड़े ने अजकल दी होनी है तो मतलब जिनी को उन्हां दी उम्र होनी है उस तो भी ज़्यादा साल हो गए, क्योंकि 16-17 साल का बच्चा प्लस टू च हुंदा ते 20 साल आए नूं हो गए। बट क्वेश्चन ये नहीं कि 20 साल आए नूं हो गए, क्वेश्चन ये है तुहाडे कोल बई जिहड़े एंट्रेंस वाले क्वेश्चन हुंदे ने ना बहुत एलीगेंट क्वेश्चन हुंदे ने, वह आम किताबों के विच नहीं मिलते हैगे। ठीक है जी, तो उस तरह के क्वेश्चन देखो, सिंपल जी गल है, मेरे ही फोकस इस तरह के क्वेश्चन से क्यों है, क्योंकि देखो एंट्रेंस कोई भी है पेपर किने बनाने यूनिवर्सिटी टीचर्स ने, वो गिने चुने 5-7 होंगे ने, और जो उन्हां दी थिंकिंग हुंदी है उसनों आपां एक्सप्लॉयट कर रहे हैं भी आह पॉसिबिलिटीज़ हो सकदियां ने जी, आह पॉसिबिलिटीज़ हो सकदियां ने। सो अगला क्वेश्चन फिर उही है जी थोड़े को, कहिंदा ए च दित्ते हैं बी च दित्ते हैं आ दित्ते, इन्हां दी यूनियन पूछी गई है। ठीक है जी, तो हुण पहला तो तुसी अगर मैं थोनू एस वन करॉस एस टू विच एलीमेंट्स पूछा, तुसी एन पाना तो एन पा लो जी, एस वन करॉस एस टू विच एलीमेंट पूछा, एक च भी ने एक च चार ने तो 80 एलीमेंट ने देखो। ठीक है जी, थोनू डाउट है नंबर ऑफ पा लो, तो नंबर ऑफ एस वन ते एस थ्री दे विच एलीमेंट पूछा तो इहदे विच भी ने उहदे विच चार ने, सो 80 एलीमेंट ने इहदे विच भी, तो क्या यूनियन दे विच 160 होणगे? ना। फिर यूनियन दे विच किन्ने एलीमेंट होणगे, की तरीका है? तो जे थोनू याद होवे ए यूनियन बी जिहड़ा हुंदा ना वह हुंदा ए बी माइनस इंटरसैक्शन हुंदी हुंदी है, इहदा मतलब मैं इकट्ठे तो नहीं कर सकता यूनियन कढ़न लई भी 160 160, पहली ऑप्शन दिंदा बंदा, इहनू असीं डिस्ट्रैक्टर कहिंदे आ, पहली ही ऑप्शन मिलती है, पहली ही ऑप्शन रोंग हुंदी है। सो ख्याल रखना तुहाडे कोल जदों क्वेश्चन पेपर फ्रेम करना सिखाया जाता है एमएड दे विच, तब उत्थे पहली ऑप्शन की हुंदी है, डिस्ट्रैक्टर शुड बी द फस्ट ऑप्शन, तो पहली ऑप्शन गुमराह करने वाली हुंदी है, तो इस करके तुसीं ख्याल रखना भी पहली ऑप्शन कदे तुक्का भी नहीं मारनी है। ज़्यादा एग्जामीनर सियाणा होवे हो सकता है पहली आंसर आ जाए, बट पहली तो कभी नहीं मारनी। हुण आपां अगे चलीए तुहाडे कोल, ठीक है, एन आपां नूं क्रॉस मिल गई, आपां नूं क्रॉस मिल गई, तां हुण जद तक मैनूं इंटरसैक्शन नहीं मिलती ना मेरा काम नहीं बनना हैगा। इंटरसैक्शन किवें मिलेगी? इंटरसैक्शन जिहड़ी है ना तुहाडे कोल उहदे विच तुसीं देखो एस वन क्रॉस एस टू है, एस वन क्रॉस एस थ्री है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलीमेंट इन एस वन क्रॉस एस टू इंटरसैक्शन एस वन क्रॉस एस थ्री, ठीक है, एच नंबर ऑफ एलीमेंट भी तो देखो सीधे ही आने ने, भी सीधे क्यों आने ने, क्योंकि ये दोनों पासे सेम है और ये भी एलीमेंट है। हुण एस वन ते एस थ्री विच किन्ने एलीमेंट कॉमन ने? एस वन ते एस थ्री विच, सॉरी एस वन मैं कढ़ना की सीगा, एस वन ते एस थ्री वो तो हो नहीं, मैं गड़बड़ कर रहा, एक मिनट
ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ ਵਨ ਅਤੇ ਐਸ ਸੋਰੀ ਐਸ ਟੂ ਅਤੇ ਐਸ ਥਰੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਗਲਤ ਗਿਆ, ਐਸ ਟੂ ਅਤੇ ਐਸ ਥਰੀ 'ਚ ਕਾਮਨ, ਐਸ ਟੂ ਅਤੇ ਐਸ ਥਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ, ਬੀ ਹੈਗਾ ਯਾ, ਡੀ ਹੈਗਾ ਯੈਸ, ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਕਾਮਨ ਨੇ, ਸੋ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 40 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 80, ਦੂਜੇ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ 80 ਘਟਾਓ 40, ਸੋ 160, 120 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ, 8 × 16 ਅਤੇ 120 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬੈਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੱਲੀਏ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਡਿੰਗ ਰੀਜਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ NDA ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਆ ਬੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਉਹ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਏ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਰਾ ਏ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਉ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਲੀਟ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਿਆ ਘਟਾਇਆ ਪਏ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ, ਅਗਰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀਗੀ BSE ਦੇ ਪੈਰਲਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਲਈ, ਗਰੁੱਪ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਗਰੁੱਪ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਪਲੱਸ ਟੂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ 11-12 ਦਾ ਬੇਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਗੋ ਫੋਰ BSE, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 11-12 'ਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਲੱਭਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸ਼ੇਡਰ ਰੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਲੀਗੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਲੱਭਣਾ, ਔਰ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਛੇ ਹੋ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਇਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਮਨ ਕੱਢਣਾ, ਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਆ ਤਾਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਦੂਜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦੇ ਲੈਸਨਸ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ 2 cos² θ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 2, ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਲੈਸ ਲਿਖੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਬਣੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 1 - sin²θ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਐਲੀਗੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ ਇਹ, S1 S2 ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਲੀਗੈਂਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਰਾਜਵੰਤ ਨੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਨੋਨ ਐਮਪਟੀ ਸੈੱਟ, ਨੰਬਰ ਔਫ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਔਫ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਤੇ ਇਮਪ੍ਰੋਪਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕੁਛ, ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ 'ਤੇ, ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਂਸਰ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਦੋ sin²θ, ਇੱਥੇ sin θ, ਇੱਥੇ -2, ਇੱਥੇ <= 0, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰਫ ਲਿਆ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕੱਟੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ -2 ਅਗਰ ਕੋਮਨ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ sin²θ -2 sin θ <= 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਫਿਰ ਕੀ ਆਉਣੀ, sin θ ਵੀ ਕੱਢੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਟਾਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ -2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ,
सो 2 sin थीटा नैगेटिव 2 ना डिवाइड करोगे तो ग्रेटर आना है। इनइक्वालिटी इसे करके जोड़ा है ना सू तंग ज़्यादा करती है। तो उस तो बाद जोड़ा है तो कोल ठीक है, अरे मैं गलत करता, जो -2 कॉमन कटना सो 1/2 बनेगा, -2 कटना ना गुणा करेंगे तो सो 1/2 आएगा ठीक है। सो मैथमेटिक्स माड़ा जाए दिमाग इधर उधर जाए फिर ही नहीं मैथ, फिर -2 बाहर निकालिया तो साइन स्केयर थीटा सो ये -1/2 ठीक है। तो जोड़ा है तो कोल इनू मैं डिवाइड किया साइन चेंज हो गया ठीक है, साइन थीटा कॉमन निकाल लो तो ये साइन थीटा -1/2। तो यदा मतलब एक चीज़ आ गई साइन थीटा ग्रेटर दैन 0, एक चीज़ आ गई थोड़े को साइन थीटा ग्रेटर दैन 1/2। सो 2 ऑप्शन आ गई और है क्योंकि आइदर और होंदा है ठीक है जी। सो मेरे को की ऑप्शन आ गई जी थोड़े को आ वाली चीज़ आ गई, आ ध्यान रखनी हो रखनी है क्योंकि मैं अपनी मर्जी ना थोड़ी 3 पाई 4 पाई चले जावा, साइन तो जिन्ना मर्जी लै लो दूर तक लै जाओ। तो आप की ऑप्शंस एक्सप्लोर करांगे फिर दोबारा, मैं तुम्हें पहले दिन कहा सी भाई ग्राफ हर चीज़ दी तुहाडे पास मैथ विच जान ने ठीक है, तो कुछ हेल्प लईए आप ग्राफ की। तो जो मेरा साइन का ग्राफ होंगे अगर मैं सिर्फ ये पीरियड ची बनावा तो मेरा इन्ना होंगे, एन एक च भी जोड़ा है तुहाडे कोल उपर देख लो उस विच क्योंकि आपा तो कॉमन लेना है, वह भी इस चीज़ नाल कॉमन लेना है, इस चीज़ ना कॉमन लेना का मतलब है मेरा π/2 आ जूगा, π/2 वाली आ लाइन हैगी है तुहाडे कोल थीटे की वैल्यू, थीटा हेठा हुंदा ना, तो एक जिहड़ी हैगी है 3π/2 वह आए। सो ये विचे गेम चलूगी जिहड़ी चलू, मतलब रेलीवेंट पोर्शन इस दे विचों ही निकालना है, इस दे बाहरों नहीं निकालना हैगा, कारण इत्थों तां निकलूगा, इत्थों तां निकलूगा बट इत्थों नहीं निकल, इसने निकलन देना नहीं गा, जे इसने क्वेश्चन च ना निकलन दिता तो डेफिनेटली तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तुहानू दिक्कत आनी है। जे तुसी आ क्वेश्चन सोल्व कर लिया समझ लो इदां दा कोई मर्जी क्वेश्चन पा दे तुहाडे कोल ठीक है जी। सो लो जी हुण आपां ने क्या करना है तुहाडे कोल ठीक है, ये वाली चीज़ होगी हुण तुहानू कहिंदा सी साइन पॉजिटिव है, हुण जे ध्यान नाल देखिए आपां साइन पॉजिटिव है, साइन जिहड़ा है वह किस किस पोर्शन च पॉजिटिव रह रहा है, साइन थीटा तो पहले क्वाड्रेंट च पॉजिटिव है, दूजे च तीजे चौथे च नैगेटिव, इस पोर्शन च साइन पॉजिटिव तुहानू मिल रहा है ठीक है जी। तो जिहड़ा है तुहाडे कोल उस तो बाद ठीक है दूसरी ऑप्शन की हैगी है तुहाडे कोल, देखो आपां बेशक और च लिखना पवे रिजल्ट बट आपां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उसनू जिहड़ा हैगा वह एडजस्ट करना हैगा। सो ध्यान नाल देखियो जी भी की चल रहा हैगा तो किस तरह बनेगा तुहाडे कोल ठीक है, ये वाली चीज़ इंटरसैक्शन के काम आऊगी कॉमन पोर्शन की। हुण रह गया कि विच की लिखा कि कॉमन पोर्शन आ जाए, ओके सो लो जी हुण आपां पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करते हैं तुहाडे कोल भी की पॉसिबिलिटीज़ होणगियां ते की नहीं होणगियां ठीक है। तो अगर आप देखिए कि साइन मेरा ग्रेटर दैन 1/0 है, सो -2 ने तो निशान बदलता सी ना, तो साइन थीटा बाद च कॉमन निकलिया तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना। तो ये वाली पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां हैं तुहाडे कोल, अच्छा एक पॉसिबिलिटी होर भी अराइज कर सकती है, वो ये कर सकती है अराइज तुहाडे कोल क्योंकि आपां देखिए ध्यान नाल तुहाडे कोल 2 चीज़ां दी, हाँ जी ध्यान नाल देखियो जी क्योंकि एक पॉसिबिलिटी इत्थे होर अराइज होती है, वो ये है कि 2 चीज़ां दी प्रोडक्ट पॉजिटिव है। सो ऐसी पॉसिबिलिटी है तुहाडे कोल कि जे 2 चीज़ां दी प्रोडक्ट पॉसिबिल जिहड़ी हैगी है पॉजिटिव होवे तो दोनों चीज़ें नैगेटिव हो जाए तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है, और दोनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाए तो भी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है ठीक है जी। सो पिछले लेक्चर भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया तो वो आप सारिया पॉसिबिलिटीज़ जिहड़ियां हैगियां दिमाग में रख के चलनिया ने तुहाडे कोल। तो हुण इत्थों देखो जी की कंकलूजन तुसीं निकाल सकते हो तो क्या आपां जिहड़ा हैगा वो वैलिड कंकलूजन तक जा सकते हैं कि नहीं जा सकते तुहाडे कोल ठीक है। तो जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आ पॉसिबिलिटी देखिए, जे मैं थोनों ऑप्शनज लिख दिंदा ना इस क्वेश्चन दी तो ये ज़्यादा बैटर रहना सीगा
क्योंकि ऑप्शन दे विच जरूरी नहीं हुंदा कि वो सारे केस डिस्कस किए होण जिहड़े आपां कर रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है। पर चलो हुण मैं ऑप्शन नहीं लिखी हैगियां तुहाडे कोल तां जिहड़ा हैगा है, क्योंकि ऑप्शन नाल वो स्पैसीफिक हो जाता भी इस ऑप्शन पर जोर देना, ये छड़ी गई, छड़ी गई, छड़ी गई, ठीक है। तो जदों मैं क्वेश्चन आपां सीधा कर रहे हुंने आ तुहाडे कोल उदों फिर ये वाली चीज़ जिहड़ी हैगी दिक्कत करती। चलो ठीक है, कोई गल नहीं। तो लो जी, अगर मैं इस पोर्शन की गल करा थोड़े को, ठीक है, तो इस पोर्शन की गल करिए आपां तुहाडे कोल, तो इस पोर्शन विच्चों वो कहिंदा कि एक्स ग्रेटर दैन जीरो होवे, ठीक है। चलो केड़ी पॉसिबिलिटी आ सारी बनूगी जीरो तो पाई तक, जीरो की पॉसिबिलिटी भी है तुहाडे कोल, तो जिहड़ा थीटा लाई करूगा, तो ध्यान नाल देखियो थीटा लाई करूगा जीरो तो पाई तक, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। इन्हें उदे नाल कॉमन देना है, ठीक है। सो मैं थोनू दो रिजल्ट और, ठीक है जी, मैं सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर देनी है हुण, ऑप्शन कोई भी होवे क्योंकि मैं लिखिया नहीं पहला। दूजी ये कहिंदा साइन एक बटा दो तो वड्डा होवे, साइन एक बटा दो दसो जी कितने ते हुंदा, साइन पाई बाय सिक्स ते हुंदा, सो पाई बाय सिक्स तो इदा लाइन ड्रा कर, ठीक है। ये पाई बाई सिक्स है, तीह है, ये नब्बे तो तीह सठ पिछे है, हम नब्बे तो सठ अगे जावे। सो इनइक्वैलिटी किदा सॉल्व करी दी है, ख्याल रखना ये साइन थीटा ग्रेटर दैन इक्वल टू वन बाई टू है, यदा मतलब है एक बटा दो तो बड़ी लैनी है, एक बटा दो नाल, एक बटा दो कितने होंगे पाई बाई छे होंगे साइन तीह, जे साइन तीह होगा तो नब्बे जमा जोड़ा है यदा गैप कि नब्बे तो सठ का, हूँ यद मतलब एक सौ पाँह से भी होगा, यदा मतलब थीटा लाइज बिटवीन थोड़े को एक सौ पाँह, फाइव पाई बाई सिक्स लिख लिए तुम स्कैच वरत ला, सो पाई बाई सिक्स आजगा जी इतने, तो इतने आजगा फाइव पाई बाई सिक्स, ठीक है जी। सो हूँ अगर मैं सिर्फ इसे केस का जोड़ा हैगा हूँ, मतलब एक पॉसिबिलिटी जी हैगी है मेरी आ वाली पॉसिब, मतलब ये पॉसिबिलिटी जी मेरी अराइज होगी थोड़े को, ठीक है। ए आइदर और, बट एक फस्ट केस हो गया थोड़े को पॉसिबिलिटी अराइज होगी, ठीक है जी। एक पॉसिबिलिटी क्या होनी चाहिए है थोड़े को अराइज होगी थोड़े को, चलो पहला आप देखिए कि इस पॉसिबिलिटी नाल क्या कंकलूजन निकल सकता है थोड़े को, ठीक है। अच्छा जेड़ा यूनियन का रिजल्ट आऊगा वो रिजल्ट डेफिनेटली और दे विच आऊगा थोड़े को, ठीक है जी। यूनियन का रिजल्ट जेड़ा है और चाहेगा, और मेरी इस ऑप्शन नाल मेरिया क्वेश्चन दी ऑप्शन ट्रू हो जाए ने, सो केस वन नाले ऑप्शन दी ट्रू, मैं थोड़ा आंसर दस देवा हूँ, ध्यान नाल देखियो आ सारी ऑप्शन जी है ट्रू। हूँ जरा ध्यान नाल देखियो ए और स्टिल और ही रहेगा, हुण आ वाला पोर्शन ते आ वाले पोर्शन चो कॉमन उठाना शुरू करो थोड़े को, ठीक है जी। आ वाले पोर्शन ते आ वाले पोर्शन चो कॉमन उठाना शुरू करिए, ठीक है। कॉमन का मतलब जेड़ा मेरा कवर हो रहा हैगा थोड़े को, ठीक है जी। सो वो पॉसिबिलिटी जेड़ी बनूगी वह बनूगी थोड़े को जीरो वाली पॉसिबिलिटी आनी कोई नहीं, सो पाई बाई टू तो वह हैगा है नब्बे तो दो सौ सत्तर, वह हैगा थोड़े पास, सो नब्बे तो पाई तक पॉसिबिलिटी बनूगी थोड़े को, भी जी चा भी कॉमन आ जा। सो एक पॉसिबिलिटी मेरी बन गई नब्बे तो पाई तक की, और ये नाल सी वो आ पॉसिबिलिटी बन गई, ठीक है। दूजी पॉसिबिलिटी फिर मेरी एदे नाल लैनी है और च, ठीक है जी। सो वो पॉसिबिलिटी जी मेरी हैगी है थोड़े को पाई बाई सिक्स, मैं पाई बाय सिक्स मैं नहीं लै सकता क्योंकि पाई बाय टू तो जाना पैना मैं, सो पाई बाय टू, ठीक है जी। सो थीटा तो ए मेरी तो छोटी है तो फाइव पाई बाय सिक्स, ठीक है जी। सो जेड़ा हैगा थोड़े को वाली पॉसिबिलिटी जी हैगी है मेरी थोड़े को पाई बाय टू तो जोड़ा हैगा है थोड़े को फाइव फाइव बाय सिक्स तक जाऊगी जी थोड़े को, दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी जी है वो आ रहेगी थोड़े को, ठीक है जी। सो ये अपने कोल जोड़ा हैगा है ये ऑप्शन जी है एक केस का आंसर तैयार हो गया थोड़े को, ठीक है जी। हूँ अगर मैं उन्होंने दूजे केस में सॉल्व कराँ कि दो ऑप्शन हैं ग्रेटर दैन जीरो, वैसे आंसर टैली दो ऑप्शन हैं ग्रेटर दैन जीरो है, तो दो ही लैस हो जाएगी थोड़े को भी ऑप्शन तैयार हो जूगी, तो हो जूगी ट्राई करके देख लेना, ठीक है। सो तुम एक आइडिया देना सीगा थोड़े पास, वो थोड़े को दिता गया, ठीक हो गया जी। सो अगे चलिए,
सो अगला क्वेश्चन की हैगा थोड़े को, अगला क्वेश्चन हैगा द नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए इज़ पी एंड द नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट बी इज़ क्यू। ठीक है, नंबर ऑफ एलीमेंट इन सैट ए ठीक है इज़ पी, ठीक हो गया जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज़ क्यू एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस इज 7 दैन बी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। ठीक है, हमने थोनों सिखाया सी सब तो पहला क्या सी भी जिहड़ा ए क्रॉस बी विच एलीमेंट होंगे ना वो ए दे एलीमेंट गुणा बी दे एलीमेंट होंगे। हुण इहदे विच 7 एलीमेंट ने, मैं पहला फार्मूला लिखण लगे क्या सी कि बहुत वधिया रिजल्ट है, तो इहदे विच 7 एलीमेंट ने जी तुहाडे कोल। ठीक है, तो फिर एन ऑफ ए क्रॉस एन ऑफ बीच किन्ने होंगे 7 प्राइम है या ए च 1-7 होंगे या इस 7 च 1 होंगे, यही पॉसिबिलिटीज़ है। तो ए दे विच तो वो कहिंदा ए च पी ने, सो इहदा ना पी रख लिए इहदा ना क्यू रख लिए, तो पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर किन्ना होया 50 होया, उल्टा मान लोगे तो भी 50 होगा। ठीक है जी, सो इदा के क्वेश्चन फ्री के नंबर देते होंगे। सो अगला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, उस क्वेश्चन नूं अगर आपां देखिए तुहाडे कोल, ठीक है, तो उहदे विच की हैगा तुहाडे कोल, दो ए स्केयर 3 बी स्केयर इज इक्वल टू 35 कहिंदा नंबर ऑफ एलीमेंट इन दिस सैट। कहिंदा बई पेयर च एलीमेंट लभणे ने इस सैट विच किन्ने ने, नाल कहता पेयर इंटीजर है। जे पेयर इंटीजर है, ये फंक्शन रिलेशन इदा के क्वेश्चन होंगे ने, बट ये आया हुआ क्वेश्चन हैगा तुहाडे कोल, तो ये नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने तुहाडे कोल। ठीक है जी, तो अगर मैं इंटीजर तो शुरू करा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन की हैगा, सपोज देखो स्केयर है, इस करके नैगेटिव पॉजिटिव तो असर नहीं करना। अगर मैं बी की वैल्यू 0 ले लाँ, रफ कैलकुलेशंस ने 2 मिनट से समझ जो, बी की वैल्यू अगर मैं 0 लवा तो 35/2 इतने 0 आ जूगी, तो 35/2 आऊगा तो वह फ्रैक्शन चली जाऊगी कट दो। अगर मैं बी की वैल्यू 1 लवा, बी की वैल्यू 1 ले तो 3 आ जाएगा, तो यह मतलब 2a² इतने 1 लिया। ठीक है, -1 लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पैना, यह 32 के बराबर आ जूगा, तो a² बराबर है 16, a की वैल्यू ±4। तो इहदा मतलब बी 1 लए ते तुहानू पेयरिंग मिल रही ने, जदों तुसी बी दी वैल्यू 1 लैंदे हो तो 4 मिली, तो 1 लैंदे हो तो -4 मिली। सो 2 पेयर तो हो गई, क्या बी दी वैल्यू 2 लई जा सकती है? 2 दा स्केयर 4, 4 3 12, 35 विचों 12 घटाओगे तो ऑड आएगा, उन्हें डिवाइड नहीं करना, इहदा मतलब नहीं लई जा सकती। उस तो बाद अगर 3 लईए 9, 35 विचों 9 घटाइए, ऑड घटाओगे तो ईवन आएगा। ठीक है, ये आ सकता है। अगर b दी वैल्यू तुसी 3 लौंगे, तो b दी वैल्यू तुसी 3 लौंगे तुहाडे कोल, तां ऑप्शन की आएगी, आपां पहलां कीड़ी कीड़ी लै ली, b दी वैल्यू 0 हो चुकी है ना, 1 हो चुकी है, 2 मैं चेक कर ली, 4 3 12, हाँ चेक कर ली, 3 ते करिए 9 9 3 27, सो 2a² इज इक्वल टू 35 - 27, तो जिहड़ा हैगा 8 बन गया। सो a² की वैल्यू 4, a की वैल्यू ±2, सो यदा मतलब 3,2 हो गया जी थोड़े को, 3,-2 हो गया, सो 4 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, ऑप्शन तो कट गई। ठीक है जी, सो आगे ऑप्शन की है, 4 वाली है साढ़े को ऑप्शन, पर हजे बाकी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट नहीं ना हुई है। ठीक है, हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, हुण 4 भर के देख लो तुहाडे कोल। ठीक है, जे 4 भरांगे तो 4 दा स्केयर 16, 16 3 48 इमेजनरी नंबर, यदा मतलब वह तो जाना नहीं, मतलब हूँ बी दियाँ तो एग्जॉस्ट हो गई जी सारिया वैल्यूज। ठीक है, बी दियाँ एग्जॉस्ट हो गई क्योंकि बी की वैल्यू 0 1 ए वाली जी सगिया, तो जे 4 भर दवा तो 16 3 48 उधर नैगेटिव खत्म होनी, क्या हजे इतने बच्चा की करता 4 टिक कर दिता, नहीं ना हूँ उधरों एग्जॉस्ट हो, क्या ए की वैल्यू पर इतने बी आ सकता, ए नू भरो 0 नहीं आना, ए दी वैल्यू 1 भरो, अगर ए दी वैल्यू 1 भरते हैं तो देखो ध्यान नाल तुहाडे कोल इत्थे 1 आ जाएगा, 2 घट जाएगा 33, 11 3 33, पर 11 का अंडर रूट आ जाना, मैं वो इंटीजर नहीं है। फिर इत्थे आपां 2 भरीए, जो इत्थे 2 भरांगे, 2 दा स्केयर 4, 4 2 8 35, 35 चो तुसीं 8 घटाओगे नहीं बनना, 3 भरो, 3 दा स्केयर 9, 9 2 18, ठीक है जी, 35 दे विचों 18 घटा लो नहीं बननी, इत्थे 4 भर के देखो तुहाडे कोल। ठीक है, सो वैल्यूज़ आपां देखणियां ने जी भर के तुहाडे कोल, देखो मैं इत्थे 1, मैं इत्थे 0, तुसीं बोलो नैगेटिव नहीं भरदे, अरे नैगेटिव ना पॉजिटिव ही आना, फिर भर के की देखनी है तुहाडे कोल,
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਭਰਨ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਭਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਅਗਰ 1 ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2 ਘਟੂਗਾ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਰੇ 2 ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 2 10 ਸਕੇਅਰ 4, 8 ਘਟਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅਤੇ ਜੇ 3 ਭਰ ਰਿਹਾ, 9 2 18, 18 ਅਤੇ 35 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਨਹੀਂ 4 ਭਰੀ, 16 2 32, 32 ਘਟਾਤਾ, ਇਹ ਆ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਭਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਭਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 32 ਆ ਜਾਏਗਾ। 32 ਪਲੱਸ 3b² = 35, ਅਤੇ 3b² = 3b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੇਅਰ 4 1 2 ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ 6 ਪੇਅਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਆਹ ਅਤੇ ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਭਰੇ ਤਾਂ 25, 5 5 5, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 5 ਭਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਭਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 25, 4 ਭਰੇ ਤਾਂ 16 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ 6 ਆਉਂਦੀਆਂ, 6 ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਰੇ 3 ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, 3 ਦਾ 9 9 2 18, 18 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 17 35, ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ 6 ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਨਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵੇਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਹੈਗਾ ਯੈਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਹੈਗਾ ਯੈਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਏ ਗਿਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬੀ ਗਿਣਿਆ ਬੀ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ 2 ਵਾਰ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਏ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਬਾਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ, ਐਨ ਓਫ ਏ ਐਨ ਓ ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਐਨ ਓਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਇਹੀ ਏ ਯੂਨੀਅਨ ਬੀ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐਨ ਓਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ। ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? ਇੰਨਾ ਕੁ, ਇਹ ਏ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਬੀ ਮਾਈਨਸ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ 3 ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਸੋ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵਿੱਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਸੋ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਟਰੂ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਨ ਓਫ ਏ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਨ ਓਫ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਐਨ ਓਫ ਏ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਬੀ ਲਿਖਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਆਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੋਮਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਕੁਛ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਿਰਫ ਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਈ, ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਐਨ ਓਫ ਏ ਐਨ ਓਫ ਬੀ ਮਾਈਨਸ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮੈਟ੍ਰਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਡੈਲਟਾ ਬੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਏ ਡੈਲਟਾ ਬੀ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ? ਉਹ ਆਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਸਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ, ਕਿਆ ਬਚਿਆ? ਏ ਮਾਈਨਸ ਬੀ, ਬੀ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ,
ठीक है जी, एन ऑफ ए तुसी लिख लिया, एन ऑफ बी नू भी तुसी इन टर्म्स ऑफ यूनियन इन लिख सकते हो। मतलब जे तुसी एन ऑफ बी लेना हो तुसी ऐ कह सकते हो बी माइनस ए विच इंटरसैक्शन जोड़ दिए, तो एन ऑफ बी आ रहा बी माइनस ए इस इंटरसैक्शन जोड़ दी तो थोड़े को आ गया। तो मैं चीज़ा लिख क्यों रहा, ये चीज़ा तो लिख रहा या तो थोड़े को ऑप्शन आएगी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, ठीक है जी, या तो ये ऑप्शन आएगी या फिर थोड़ा डाटा ही इन्हों के अकॉर्डिंग दिता होएगा और तुसी कोई अगला वेरीएबल फाइंड करना होगा थोड़े को, ठीक है जी। सो ये चीज़ा है ने, क्या कोई होर पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर हो सकती है? हाँ जी होनी तो चाहिए है थोड़े को, ठीक है। वो इंटरसैक्शन भी होगी अपने को, ठीक है। एक पार्टीशन की डेफिनेशन होती है, ठीक है, आ वाली जी चीज़ है ना, ठीक है, आ ए आ बी आ सी, तो मतलब पार्टीशन की गल करते हैं ना, अगर आप पार्टीशन दे विच की हुंदा हैगा तुहाडे कोल भाई तीन जिन्हां नूं तुसी पार्टीशन कहने हो उन्हां दी यूनियन तो कंप्लीट सैट बननी चाहिए है, ए बी सी तिन्हां दी यूनियन तो कंप्लीट होना चाहिए है, और जे पेयरवाइज इंटरसैक्शन लो तो फाई होनी चाहिए है, ठीक होया जी। ये पार्टीशन की डेफिनेशन है, सो थोनों पूछ लैन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ पार्टीशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्टीशन, तो थोनों पता होना चाहिए थोड़े को भी ये चीज़ जी है ये किस तरह होगी, ठीक हो गया जी। सो इन्ना कर लो जी, अगले सैट के लैक्चर मैं थोनों तीन वाली डायग्राम्स एक्सप्लोर करा फिर नाल रिलेशन इंट्रोड्यूस कर दूंगा थोड़े को, ठीक है जी। थैंक यू।